नमस्कार, लीसीएम ऑफ पॉलिटिकल साइंस से मैं सौरभ कुमार पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछली वीडियो जो राष्ट्रपति पर थी, आशा करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। आज हम संसद का गठन पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में यह वर्णित है कि भारत का जो व्यवस्थापिका है वह संसद है और उसमें कुल 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय उच्च सदन है और राज्यसभा में राज्यों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले संसद का गठन। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में वर्णित है और अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है कि भारत का संसद 3 अंगों से मिलकर बना होगा, जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में वर्णित है और अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का वर्णन करता है। तो राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81। बात करते हैं राज्यसभा के योग्यता और कार्यकाल की। तो जो राज्यसभा का जो सदस्य होगा उसकी योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष पूरी कर लेना चाहिए, वह भारत सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो, वह पागल या दिवालिया न हो और वह संसद द्वारा जो समय समय पर निर्धारित किया जाता है वह सारी योग्यता उसके पास हो। बात करते हैं कार्यकाल की। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसको विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं और उतने ही नए सदस्य हर 2 वर्ष बाद चुनकर राज्यसभा में आते हैं। जो राज्यसभा की संख्या है, राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वह 250 है लेकिन वर्तमान में 245 जो संख्या है राज्यसभा की है। इन 245 में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के मनोनीत किए जाते हैं, जो समाज सेवा, साहित्य जैसे क्षेत्रों से आते हैं। बात करते हैं पदाधिकारी की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति चुनती है। उपसभापति राज्यसभा का उपसभापति तभी तक रहता है जब तक उसकी सदस्यता होती है। जब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, 6 वर्ष पूर्ण हो जाता है, तो उसका पद भी समाप्त हो जाता है। ध्यान देने की बात है, जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वह उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। बात करते हैं राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले साधारण विधेयक की बात करते हैं, साधारण संशोधन की बात करते हैं। साधारण संशोधन के अंतर्गत राज्यसभा साधारण संशोधन संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, वह राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है और लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। अगर लोकसभा में पेश किया जा रहा है कोई विधेयक और वहां से राज्यसभा के पास आ रहा है तो उसे 6 महीने के अंदर स्वीकृत या अस्वीकृत करना होगा या पुनर्विचार के लिए वापस करना होगा।
इसी में अगर किसी विधेयक को लेकर गतिरोध हो जाता है, विधेयक को लेकर दोनों सदनों में विवाद हो जाता है, तो उस अवस्था में अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब संयुक्त अधिवेशन में बहुमत जिसकी तरफ से उस विधेयक को मिलता है वह विधेयक पारित माना जाता है। तो इसमें चूंकि लोकसभा के पास संख्या ज्यादा है, वर्तमान में 550 है लोकसभा की संख्या और इसकी 545 सदस्य, तो वहां पे लोकसभा की जो वर्तमान संख्या है वो 543 है और इस वजह से इसके पास राज्यसभा से ज्यादा मत है। और इसी वजह से जब भी गतिरोध होता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो राज्यसभा अपने मांगों को स्वीकृत करवा लेती है, यानी जो विधेयक राज्यसभा में पेश हुआ होता है वह पास हो जाता है। बात करते हैं संविधान संशोधन की शक्ति की। तो संविधान जो संशोधन की शक्ति है, इस पे दोनों सदनों की बराबर की शक्ति होती है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अनुसार होता है और इस अनुच्छेद 368 संविधान के भाग 20 में वर्णित है। ये अकेला अनुच्छेद है संविधान के भाग 20 का और इसमें संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। और अगर इसमें गतिरोध होता है तो इसके लिए किसी प्रकार की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है, यानी यहाँ पे राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति मिली हुई है। बात करते हैं वित्तीय शक्ति की। राज्यसभा के पास वित्तीय भी बहुत हल्की पावर है, बहुत अधिक शक्ति नहीं है, ये लोकसभा के तुलना में बहुत कम शक्तिशाली है। जब कोई वित्त विधेयक मतलब धन विधेयक लोकसभा से, धन विधेयक पहली बात कि धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं होता है, धन विधेयक हमेशा ही लोकसभा में प्रस्तावित होता है। तो लोकसभा में प्रस्तावित धन विधेयक जब राज्यसभा के पास जाती है तो राज्यसभा के पास अधिकतम 14 दिन का समय होता है, जिसके अंतर्गत उसे विधेयक को या तो पास करना होता है या पुनर्विचार के लिए लोकसभा को लौटाना होता है कुछ सुझाव के साथ। अब यह लोकसभा के ऊपर डिपेंड है कि लोकसभा इसके विचारों को मान रही है या नहीं मान रही है। केवल यानी 14 दिन की इसके पास शक्ति है। इसके अलावा वह वित्त के बारे में संसद से प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन इसमें भी इसकी शक्ति बहुत ज्यादा नहीं कही जा सकती। बात करते हैं कार्यपालिकी शक्तियां की। कार्यपालिकी चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो यहाँ की कार्यपालिका यहाँ के निम्न सदन के प्रति यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्यसभा केवल कुछ प्रश्न पूछ सकता है, वह अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है, जिससे कि इसकी शक्ति यहाँ भी अधिक नहीं है। बात करते हैं अनन्य शक्तियों की, जो केवल राज्यसभा के पास है, इसके अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है। अनुच्छेद 249 के अनुसार जब राज्यसभा एक विधेयक पारित करके किसी राज्य सूची के विषय को ऐसा बताती है कि वह अब संसद के लिए उस पर विधेयक बनाना अनिवार्य हो गया है, तो उस राज्य सूची के विषय पर शक्ति जो है संविधान यानी विधेयक बनाने की शक्ति लोकसभा को प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 312 के अंतर्गत कभी भी जब नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना होता है तो राज्यसभा ही यह कार्य कर सकती है, इसके अतिरिक्त लोकसभा यह अपने मन से कार्य नहीं। तो ये अनुच्छेद 249 यानी राज्य सूची के विषय को केंद्र सूची में केंद्र के पास वह शक्ति देना और अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करना, यह राज्यसभा की अनन्य शक्तियों में आती है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा
अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है और उपराष्ट्रपति को हटाने का जो विधेयक है वह सबसे पहले प्रस्ताव है, वह सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाता है और वह सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग लगा सकती है। बात करते हैं इसकी आलोचना की, तो जैसा कि हमने देखा है शक्तियों में, इसके पास वित्तीय शक्ति नगण्य के बराबर है, संविधान संशोधन शक्ति में यह काफी हद तक बराबर है, कार्यपालिकी शक्तियां में भी इसकी बहुत अधिक शक्ति नहीं है और विधायी शक्तियों में यह लगभग बराबर है। लेकिन जब अनुच्छेद 108 की बात करते हैं, संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं, तो ये भी शक्तियां केवल ढोंग दिखाई पड़ती हैं। राज्यसभा की आलोचना की जाती है कि यह लोकसभा की तुलना में बिल्कुल ही शक्तिहीन सदन है, लेकिन लोकसभा की जो उत्सुकता होती है, क्योंकि उसमें जो न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, इसको कवर करने के लिए और जो उसमें उतावलापन होता है उसको पूर्ण करने के लिए, पूर्ण बनाने के लिए, उसमें संयम लाने के लिए, धैर्य लाने के लिए राज्यसभा बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा की जो आलोचना होती है कि ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वह भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति अपने मनमाने का प्रयोग कर सकता है और अपने लोगों को राज्यसभा में डाल सकता है। इसका कई बार दुरुपयोग हुआ भी है, जैसे जब कई बार प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो कि लोकसभा से न चुने जा सके और उनको राज्यसभा से लाया गया, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद राज्यसभा लोकसभा के उतावलेपन को रोकती है और सरकार को सुदृढ़ता प्रदान करती है। क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता, इसलिए वह कम से कम एक सुदृढ़ सरकार की नींव तो अवश्य रखती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको राज्यसभा पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।